नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। सर बड़े सर से मिले। बड़े सर अपने केबिन में हैं। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। यस कम इन। सर पहचाना मुझे? नहीं। कौन? सर मैं आपका स्टूडेंट, स्कूल में पढ़ाऊंगा आपसे। अच्छा 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 अच्छा। क्या है ना, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया और फिर तुम लोगों की शक्लें भी बदल जाती है, या तो फिर दाढ़ी भी बढ़ा रखती है। अच्छा सर क्या कर रहे हो आजकल? सर मैं भी आप ही की तरह टीचर बन गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टीचर की तनख्वाह बहुत कम होती है। सर जब मैं फिफ्थ क्लास में था तो अपनी क्लास में कुछ हुआ था, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं टीचर बनूंगा। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको मैं भी याद आ जाऊँगा। अच्छा क्या हुआ था? सर एक दिन हमारी क्लास में एक लड़का बड़ी सुंदर सी घड़ी लेके आया था। मेरा दिल उस घड़ी पे आ गया और मैंने मौका देखते ही वो घड़ी चुरा ली। जब उस लड़के ने आपसे कंप्लेन करी तो आपने पूरी क्लास से कहा कि जिसने भी वो घड़ी चुराई है वो बता दे, आप उससे कुछ नहीं कहेंगे। पर मेरी आगे आने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर आपने एक तरकीब निकाली और क्लास का दरवाज़ा बंद कर दिया और हम सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। फिर कहा कि सब अपनी आँखें बंद कर दो और आप हम सबकी जेबें चेक करने लगे। जब आप मेरे नज़दीक आए तो मैं घबरा गया था, पर आपने मेरी जेब से घड़ी निकालने के बाद भी मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि आप आखिरी तक हर लड़के की जेब चेक करते गए। फिर आपने वो घड़ी उस लड़के को दे दी और हम सबसे कहा कि जिसने भी ये हरकत करी है वो दोबारा ना करे। सर उस दिन के बाद आपने कभी किसी को नहीं बताया कि वो चोरी मैंने की थी, और ना ही कभी मेरे साथ भेदभाव किया। अच्छा मुझे याद आ गया। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, मुझे आज तक पता नहीं चला कि वो चोरी किसने की थी, क्योंकि जब मैं तुम लोगों की जेबें चेक कर रहा था ना तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी।